सांगलीत पुन्हा तीन घोडींच्या अवघड जागेला चक्क तांब्याच्या तारेने शिवलं, अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल. सांगलीत पुन्हा तीन घोडींच्या अवघड जागेला चक्क तांब्याच्या तारेनं शिवले, अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल. तीन घोड्या भारती हॉस्पिटल समोर सांगली येथे बेवारस रक्तबंबाळ झालेल्या अवस्थेत आढळून आल्या. त्वरित ॲनिमल राहतचे प्राणी कल्याण निरीक्षक कौस्तुभ किशोर पोळ यांनी पोलीस ठाण्यात सदर घटनेची माहिती फोन करून दिली आणि पोलीस ठाण्यात प्रत्यक्ष जाऊन फिर्याद दिली. ॲनिमल राहतच्या पशुवैद्यकीय डॉक्टर राकेश चित्तोरा, डॉक्टर विनायक सूर्यवंशी, डॉक्टर अजय बाबर, श्री गोरखनाथ कुराडे यांच्यामार्फत घोडींना भूल देऊन सदरच्या तांब्याच्या तारा काढून घेतल्या. सांगली शहरामध्ये रस्त्यावर सर्वत्र घोडे फिरताना दिसतात. त्याचा शर्यतीमध्ये पळण्यासाठी वापर होतो. शर्यत झाली की त्यांना रस्त्यावर चरण्यासाठी असं बेवारस सोडलं जातं. त्यामध्ये प्रामुख्याने मादी जास्त असतात. रस्त्यावर असं सोडल्यामुळे त्यांना इतर नर घोड्याकडून गर्भधारणा होते आणि त्या शर्यतीमध्ये काही महिने पळू शकत नाहीत. म्हणून त्यांना त्यांच्या मालकांकडून अशा अनैसर्गिक पद्धतीने त्यांच्या अवघड जागेला वेगवेगळ्या पद्धतीने शिवलं जातं, जेणेकरून नर घोड्याकडून गर्भधारणा होऊ नये. पण असं कृत्य करणं ही लाजीरवाणी गोष्ट आहे आणि माणुसकीला काळिंबा फासणारी असून या घटना थांबवण्यासाठी पोलीस अधीक्षकांनी स्वतः गांभीर्यानं लक्ष देण्याची गरज आहे अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांकडून होत आहे. कल लगभग 3:30 बजे 20 तारीख को लगभग 3:30 बजे के आसपास कल हमारे डॉक्टर जो है भारती विद्यापीठ हॉस्पिटल जो है उसके सामने एक हॉर्स का ट्रीटमेंट करने गए थे. और ट्रीटमेंट करने के साथ में उन्होंने वहाँ पे देखा कि तीन जो और घोड़े हैं उनके पीछे जो है उनके जो वल्वल लिप्स हैं उसके ऊपर कॉपर का वायर बंधा हुआ था. तुरंत हमारे टीम मेंबर दूसरे लोग भी वहाँ पे पहुँचे, पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस की इन प्रजेंस में तीनों घोड़ों को बेहोशी का इंजेक्शन लगा के तीनों घोड़े के जो चार चार एक घोड़े के जो वल्वल लिप्स थे उसके ऊपर चार चार कॉपर वायर से जो सूचर्स लगाए हुए थे उनको बेहोशी की अवस्था में बेहोश करके उनको निकाला कि उनको किसी तरह का और तकलीफ ना हो. क्योंकि ऑलरेडी जो जानवर थे जिसको टाके लगे हुए थे कॉपर वायर से उनसे उनको वैसे ही इतना पीड़ा था, वहाँ से ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रहा था, तो उनको बेहोश करके और उनका टाके निकाले. उसके बाद उनको वेदनाशामक उनको दवा दिया, उनको ड्रेसिंग किया. वहाँ पे आदमी का पता किया, कौन मालिक था कोई आया नहीं. तो अनजान जो लोग थे अनजान के खिलाफ कौन उसका मालिक होगा उसमें FIR दर्ज किया गया. इस तरह से कॉपर वायर को लगाना ये किसी भी साइंस में इस तरह का तो कोई ट्रीटमेंट एज ए वेटनरियन में देखा है कि ऐसा पढ़ा है कि ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है. इस तरह का कोई भी उसको कोई किसी तरह का तकलीफ नहीं था, किसी तरह का उसको प्रॉब्लम नहीं था, मेडिकल कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको तीनों हॉर्सेस को. और उसके ऊपर कॉपर वायर से उनके वल्वर लिप्स को सिलाई कर देना और पकड़ की वजह से उसको पकड़ लगा के वो इतना टाइट कर रखा था कि शायद मेयर को बहुत यूरिन करने में भी तकलीफ होता होगा. ये शायद क्यों करते हैं लोग और किस तरह से किया होगा जो कि एक मतलब छोटा सा उसकी वल्वर लिप्स से वहां पे सेंसिटिव पार्ट है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उस पर कितना दर्द होता होगा, लोगों ने उसको कैसे किया होगा, उसको बहुत तकलीफ हुआ होगा. इनके खिलाफ जो अज्ञात आदमी था उसके खिलाफ पुलिस ने FIR लॉज हुआ है. ऐसा लगता है कि ये करने के पीछे एक कारण हो सकता है जो हमको समझ में आता है या लोगों से हम जब बात करते हैं, क्योंकि ऐसा हमको पहले भी मिला है यहाँ पे सांगली में. ये हो सकता है कि लोग घर में इनको पालते नहीं है, घर में रखना नहीं चाहते हैं, उनको घर में खिलाने के लिए उनको शायद चारा नहीं होगा या उनको पैसा खर्च करना पड़ता होगा, तो लोग घोड़ी को भी बाहर छोड़ते हैं, घोड़े को भी बाहर छोड़ते हैं. और घोड़ी के ऊपर कोई भी घोड़ा वो नहीं चाहते हैं क्योंकि प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी होने से हो सकता है कि उनको किसी काम में आता होगा, भगाने के लिए काम आता होगा, किसी और पर्पज के लिए काम आता होगा. तो प्रेग्नेंट ना हो, घोड़ा और घोड़ी दोनों रोड पे फ्री छोड़ रखा है, तो घोड़ा हो सकता है कि उसके ऊपर माउंट ना करे, उस सिर्फ माउंट ना कर, माउंट मतलब मेटिंग ना करे, वो मेटिंग को रोकने के लिए शायद वो कॉपर वायर से उसके वल्वर लिप्स को इस तरह से सील देते हैं कि घोड़ा उसके ऊपर माउंट ना कर सके. शायद हमको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई कारण रहा होगा. ये ऐसा जघन्य अपराध है जानवर के ऊपर इस तरह से करना कि यदि जो भारत का जो कानून है, जो प्राणी संरक्षक कायदा है, उसके अनुसार यदि वो आदमी मिलता है तो मैं ऐसा अपील करता हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए. ब्यूरो रिपोर्ट SBN मराठी.